दोस्तों, देश भर में मॉब लिंचिंग के कई सारे मामलात सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक और मामला झारखंड से सामने आया है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरह से झारखंड के कोडरमा में एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन था, जो कि इमामत करते थे, वो जा रहे थे। इसी दरमियान उन्हें जो है एक भीड़ ने, जब उनकी गाड़ी से मामूली एक टक्कर हुई एक महिला से, क्योंकि उनकी गाड़ी जो है वो किसी और की गाड़ी से टक्कर लगने वाली थी, और इस वजह से गाड़ी लड़खड़ाई, एक मामूली टक्कर हुई, और फिर वहाँ आसपास के लोग आकर के भीड़ ने जो मौलाना शहाबुद्दीन साहब थे उन्हें जम करके मारा और उनकी मौत हो गई। अब उसी झारखंड से, जहां पर कहा जा सकता है कि सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट की सरकार है, वहां से खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि झारखंड के रांची में एक इलाका है जिसे काटमकुल्ली कहते हैं। उसी इलाके में एक शख्स अख्तर अंसारी, जिनकी उम्र 30-32 साल है, इन्हें भीड़ ने मारा है और मारते मारते मार दिया है। इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा। इनके परिजनों ने बताया कि इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने बकरी चोरी की है। पुलिस प्रशासन ने भी इसी तरह की बात की है और उसके बाद भीड़ ने इन्हें मारा। इस बीच आपको बता दें कि ये मामला होता क्या है कि रात के 8 बजे इनके भतीजे ने सीधे सीधे बयान दिया है। वो कहते हैं कि रात 8 बजे वो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हम एक शादी में जा रहे हैं। रात के 2 बजे मुझे एक फोन आता है, फोन ट्रू कॉलर पर जो है ब्लैक पैंथर करके एक नेम होता है, हमें फोन आता है और फोन कॉल में काफी शोरगुल हो रहा होता है और पीछे से आवाज आ रही होती है, मारो मारो इसे मारो, और एक भीड़ जो है मार रही होती है, हमारे चचा को मार दिया जाता है, भीड़ मारती है। इस पूरे मामले में हमें पुलिस प्रशासन से जब हम संपर्क करते हैं तो पुलिस प्रशासन से हमें ये जो है वो बातें कही जाती है, हमें कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाई जाती है कि आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो महफूज हैं, वो सेफ है। लेकिन जब हम थाना पहुंचते हैं उस वक्त तक हमें जानकारी मिलती है, जब हम पहुंचते हैं तब हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे चचा जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। बकरी चोरी का इल्जाम और फिर एक शख्स को भीड़ मारती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है, ये 4 मासूम बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इन्हीं के बच्चे हैं। सोचिए इन बच्चों की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद कर दी गई, कैसे ये बच्चे अब अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये वो नीचे आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, आप देखेंगे तो आपको ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखिए ये उनके भतीजे हैं, ये जनाब उनके भतीजे हैं जिन्होंने साफ साफ ये बयान दिया कि किस तरह से उन्हें जो है वो भीड़ मारती है, फोन आता है कि तुम्हारे चचा को मार दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद उन्हें मारते 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 मार दिया जाता है। बड़ा बाबू कहते हैं चोरी किया, बड़ा बाबू और स्थानीय थाना से जब मुलाकात करते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने चोरी की थी, यानी कि इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने बकरी चोरी की। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या बकरी चोरी करना इतना बड़ा जुर्म था अगर चोरी की गई है? हालांकि ये कथित तौर पर एक चोरी का आरोप है। हम आपको बता दें कि स्थानीय जो लोग हैं उनके एक भाई हैं, उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि उन्हें मारा गया है, कोई बकरी चोरी का मामला नहीं था। एक और स्थानीय व्यक्ति से जब बातचीत की गई, पत्रकारों ने बातचीत की, तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि उनके भाई को इसलिए मारा गया, उस इंसान को, यानी कि जो आपको अख्तर अंसारी है उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन तरह के मामलात क्यों हो रहे हैं? आप देखेंगे कि तीसरी सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसके बाद से मॉब लिंचिंग के मामले में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ये क्या वजह है, आखिर कोई साजिश है, क्या वजह है, ये एक सब कुछ जांच की विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के साथ इस तरह के जो मामलात सामने आ रहे हैं, क्या उन आरोपियों को भी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? लगातार इस तरह के मामलात जब बढ़ रहे हैं तो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो सवाल करने वालों को चुप कराने की कोशिशें की जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के शामली में मामला हुआ, 5 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर किया गया। हमने ये खबर आपको दी और हमें क्या मालूम था कि हम आपको ये खबर दे रहे हैं और देर रात मुझे किसी दोस्त से ये खबर मिलेगी कि हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया और हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो कुछ हो रहा है उस मामले का क्या? ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मामलात हम बता रहे हैं, ये लोगों का कहा गया मामला है, लोग बता रहे हैं, इनकी फैमिली बता रही है, इनका परिवार बता रहा है, फिर अगर हम खबर बताएं और हमारे ऊपर ही मामला दर्ज करवा दिया जाए तब तो ये एक अजीब बात होगी। फिर तो समझ से पड़े वाली बात होगी कि आखिरकार भारतीय जो हुकूमत है और भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से काम करना चाह रही है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला जो है ये बंगला भट्टा लगाते थे, ये जो इंसान है बंगला भट्टा लगाने का इनका काम था, और इसी दरमियान जो है इनकी मॉब लिंचिंग, इन्हें भीड़ मारती है और मारते मारते इन्हें मार देती है। पुलिस से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ही सेफ, बट जब ये लोग जाते हैं तब उनकी मौत हो गई होती है। आप एक छोटा सा क्लिप देखिए, वहाँ जो स्थानीय पत्रकारों ने जो बातचीत की है वहाँ के लोगों से, तो क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा चाचा जो है इस दुनिया से नहीं रहे। कैसे, क्या हुआ था मामला? मामला यही हुआ था कि उनको भीड़ ने मार दिया है। कैसे कैसे कह रहे भीड़ ने मारा, आपको कैसे पता चला? हमको पता चला यही कि रात में 8 बजे वो मेरे साथ में थे, उनके बाद वो शादी में बोल रहे कि हम जा रहे हैं, उसके बाद वो रात में अचानक 2 बजे कॉल आई तो वहाँ भीड़ बहुत, काफी भीड़ थी और मारो मारो की आवाज आने लगी। किसके नंबर पे कॉल आया? वो मेरे ही नंबर पे कॉल आया था। और उनके चाचा के नंबर से कॉल आया, कोई दूसरा नंबर? चाचा के नंबर पे जितना कॉल था उस पे ट्राई वो लोग लगा रहे होंगे, तो मेरा भी नंबर था उनका मोबाइल में। कोई नया नंबर से आया था कॉल? हाँ, नया नंबर से कॉल आया। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग बोल रहे थे
पता नहीं, उतना भीड़ में पता नहीं चल रहा था, लेकिन यही पता चल रहा था कि बस इसको मारो। तो यहाँ पे जैसा कि बड़ा बाबू से वहाँ पे बात बता दी, चोरी का मामला सामने आ रहा है। वो तो नहीं पता हमको। क्या करते थे आपके चाचा? वो बंगला भट्टा लगाते हैं हमारो दोनों। क्या लगता है क्यों मार दिया गया उनको? बस यही मॉब लिंचिंग का मामला हो सकता है, और क्या हो सकता है। किसी ने कोई दुश्मनी या कोई वैसा धमकी? वैसा नहीं था कोई वैसा। तो इस तरह की जो घटना घटी है, तो आप स्थानीय थाना गए थे? हाँ गए थे। क्या बोला गया वहाँ पे? वहाँ टाटी सिलवाना। क्या बोला गया वहाँ? वहाँ पे तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मेरा चाचा में। क्या इल्ज़ाम लगाया? चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वैसा तो नहीं थे। तो चोरी वो सरासर गलत है। तो चोरी साबित नहीं हुआ है? नहीं, कुछ भी तो बरामद नहीं हुआ है। तो जो कॉल किया था वो कौन आदमी था, क्या नाम है उनका, कुछ पता है? उसका ट्रू कॉलर में ब्लैक पैंथर इस टाइप का नाम शो कर रहा है। ब्लैक पैंथर? हाँ ब्लैक पैंथर। रात में कितने बजे फोन आई थी? रात में 2 बजे लगभग। क्या बोला गया था फोन करके? फोन करके धमकी दिया जा रहा था कि इसको जान से मार दिया जाए। आप ही के नंबर पर फोन आया था? हाँ। तो आपके नंबर कैसे उनके पास में कैसे मिला? उनके पास मेरा चाचू थे, तो उनके पास तो मेरा नंबर था ही। तो उन्हीं के मोबाइल से फोन किया था या वो अपने नंबर? नहीं, वो अपना नंबर से फोन कर रहा था, उसमें ब्लैक पैंथर लिखा रहा था। हाँ ब्लैक पैंथर लिखा रहा था। क्या मामला है बताइएगा? मेरा ही भाई रिश्ता में लगते हैं, काटम कुल्ली के हैं, नाम है अख्तर अंसारी। और इस पे जैसे मैं किसी भी आरोप लगा के, चोरी का, बकरी चोरी, तो फलना चोरी, तो ढकना चोरी लगा के, इल्जाम लगा के इस तरह से आदमी मॉब लिंचिंग कर दे रहा है, मार दिया जा रहा है नाम पूछ के, ये गलत हो रहा है। और रही बात की ये प्रशासन का बहुत बड़ा माने क्या कमजोरी है, ये प्रशासन हमको फोन करके कहता है कि लड़का अख्तर अंसारी मेरे पास है, सुरक्षित है, सेफ है, और हम जाते हैं तो हमको लाश मिलता है। ये प्रशासन का भी माने क्या बताएं, ये कितनों 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 तरह का हम बात बोलते हैं, तो ये सब माने बड़ी निंदनीय बात है। और साजिश के तहत इसको मारा गया, और सबसे बड़ा कारण मारने के पीछे कोई अपराध नहीं था, बस अपराध इस बात का था कि ये मुस्लिम और मुस्लिम था, मुस्लिम के नाम से। तो आज पूरे भारत में तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, अब ये तमाम चीजें हमने आपको बता दी। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।